इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इग्नू के अंदर बीएड में एडमिशन के लिए पिछले साल कितने मार्क्स पे एडमिशन हो गया था और कितने मार्क्स पे मेरिट लिस्ट बन गया था डिफरेंट डिफरेंट आरसी के लिए। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा इग्नू में बीएड में एडमिशन लेने वाले सभी बच्चों के लिए जो अभी इस साल एडमिशन लेने जा रहा है इग्नू के अंदर बीएड में, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे होंगे यूपी में जितने भी रीजनल सेंटर है उसके मेरिट लिस्ट के ऊपर और स्पेशली लखनऊ आरसी के ऊपर, राइट। तो जो भी बच्चे लखनऊ आरसी से हैं सो प्लीज मेक श्योर लास्ट तक वीडियो देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल तो काफी अच्छा फील होता है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमें आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्योंकि आप वहां पे हमें फॉलो करते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो आप। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पे जो भी पीडीएफ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो सारी चीजें मैं वीडियो अपलोड होने के बाद वहां पे शेयर कर देता हूँ। सो दैट्स वाई आप लोग जरूर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रीजनल सेंटर लखनऊ के ऊपर। सो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके का पीडीएफ ऑन लखनऊ रीजनल सेंटर। ये है एक्चुअली लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। इसके अंदर दोनों कैंडिडेट है जो पिछले साल मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में थे 2019, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट है 2019 का और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे 2019 और 2018 का मेरिट लिस्ट कि किस तरीके से कितने मार्क्स पे बच्चों का एडमिशन हो गया था, मिनिमम मार्क्स क्या था, मैक्सिमम मार्क्स क्या था, कट ऑफ क्या था, इस सारे बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25 और 26 मार्च 2019 को इनका काउंसलिंग था। हमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर पे हो गया था, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दीप माला सोनी जिनका कि हाईएस्ट मार्क्स था इन जनरल कैटेगरी 82 मार्क्स और इनका इनरोलमेंट नंबर ये था। सो इनका जो है कंफर्म लिस्ट में नाम था। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स था इन जनरल कैटेगरी इन रीजनल सेंटर लखनऊ वो 82 था जनरल कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी अंदर कितना था, ठीक है। तो हम लोग उसको देख रहे होंगे। सो यहाँ पे देखिए आप ये आ गया वेटिंग लिस्ट कन्फर्म लिस्ट, यहाँ पे कन्फर्म लिस्ट लास्ट है। सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर 76 मार्क्स 77 मार्क्स पे कंफर्म हो गया था, मतलब 77+ मार्क्स था 2019 के अंदर। तो उन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम जो है कंफर्म नाम के अंदर आया था, कंफर्म लिस्ट के अंदर आया था। एंड 77 से नीचे जितने भी बच्चे थे 77 के नीचे आई थिंक सो कहाँ तक 77 के नीचे 74 तक, मतलब 74 से 77 के बीच में जितने भी बच्चे थे उनका वेटिंग लिस्ट में था जनरल कैटेगरी के अंदर आरसी लखनऊ के अंदर, राइट। एंड जो बच्चे 77 के ऊपर थे उन सभी का नाम जो है वेटिंग कंफर्म लिस्ट में आया था, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है एससी कैटेगरी का दिया गया। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप एससी कैटेगरी के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है 73 और ये कंफर्म्ड है। तो ये फर्स्ट बच्चे हैं, इनका सीरियल नंबर 43 दिया गया। और सबसे मिनिमम मार्क्स अगर देखा जाए कन्फर्म लिस्ट इन एससी कैटेगरी तो 69 मार्क्स है, राइट। तो जिनका जिनका भी 69+ है एससी कैटेगरी के अंदर उनका बन गया था, तो इस बार भी इसी के आसपास रहने वाला है, राइट। 2-4 नंबर इधर उधर ले लेना, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फैक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार इतने नंबर अगर आपका होगा तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, हम जस्ट आपको एस्टिमेशन बता रहे हैं कि इसके आसपास ही रहने वाला है, राइट। तो एससी कैटेगरी मिनिमम मार्क्स 69 मार्क्स जो कि कन्फर्म हो गया था और हाइएस्ट जो है 73 था, राइट। और जनरल के अंदर 74+ था उनका वेटिंग लिस्ट में था। और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जो 68 मार्क्स के नीचे जितने ही बच्चे हैं और 68 मार्क्स के नीचे और 60 मार्क्स के ऊपर एससी कैटेगरी के अंदर उनका जो है वेटिंग लिस्ट के अंदर नाम था, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बच्चे ऐसे हैं एससी कैटेगरी के अंदर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था और उनका मार्क जो है 60+ 60 नंबर से 68 नंबर के बीच में था, राइट। और 69+ वालों का नाम जो है कंफर्म लिस्ट था एससी कैटेगरी के अंदर, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे। तो एसटी कैटेगरी के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 3 बच्चे थे और तीनों का जो है कंफर्म लिस्ट में नाम था 61 61 60 मार्क्स पे एससी एसटी कैटेगरी के अंदर कंफर्म में आ गया था, ठीक है। इनका वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया, अभी देखेंगे हम लोग कहीं पे होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है पीएच कैटेगरी। तो पीएच कैटेगरी के अंदर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर 64 मार्क्स पे दोनों का कंफर्म लिस्ट है और 53 मार्क्स पे एक बच्चे का अखिलेश कुमार शर्मा, इनका 53 मार्क्स था पीएच कैटेगरी के अंदर, इनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओबीसी। हमने डिस्कस किया जनरल एससी एसटी पीएच एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसके बच्चे जो है ज्यादा होते हैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, तो इनका हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 76 मार्क्स जो ओबीसी के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे दिखाया गया है के एम अनिता यादव। सो यहाँ पे 76 मार्क्स है इनका सबसे हाईएस्ट, और ये ओबीसी के अंदर कंफर्म लिस्ट रैंक वन यू कैन से इनका सीरियल नंबर 70 है, ओबीसी के अंदर फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 76 से जो है कंफर्म लिस्ट हो चुका है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम जो है कंफर्म लिस्ट के अंदर जो नाम है स्मृति सचान, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 74 मार्क्स, मतलब आपका 74 प्लस मार्क्स अगर है ओबीसी कैटेगरी के अंदर लखनऊ आरसी के अंदर, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले सकते हो, क्योंकि आपका हो सकता है चांसेस है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट थिंग्स, अब मैं जस्ट यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर क्या रहा था और इस बार भी इसी के आसपास रहने वाला है। हम दो तीन साल का देख लेंगे तो हमारे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसके आसपास ही रहेगा, दो चार नंबर इधर हो सकता है, ठीक है, बट मैं अभी भी एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा। और जो जो भी बच्चे ओबीसी के अंदर थे ओबीसी कैटेगरी और उनका बेटिंग लिस्ट 73 से स्टार्ट हो गया था, और जो मिनिमम मार्क्स था 70 बेटिंग लिस्ट के अंदर वो था 71, मतलब 71 से लेकर के 71 से लेकर के 73 तक जितने भी बच्चे थे उनका जो है नाम बेटिंग लिस्ट के अंदर था लखनऊ आरसी के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर। 74 वाले जो बच्चे थे 74 प्लस उनका जो है कंफर्म लिस्ट में था नाम, तो आप लोग देख लेना कि आपका क्या है इस तरीके से। और 2019 का जो है एक और लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि इतने से इतने के बीच वाले जो बच्चे हैं उनका कंफर्म लिस्ट या फिर उनका वेटिंग लिस्ट है, तो यहाँ पे वो चीज दिया गया है। सो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जनरल, तो जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के थे जिनका भी मार्क्स अप टू 77 मार्क्स था, ठीक है, 77 प्लस जैसा कि हमने डिस्कस किया 77 प्लस जिनके भी मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के अंदर वो कंफर्म लिस्ट में रखे गए थे, ठीक है, उनका मेरिट लिस्ट बन गया था, उनका एडमिशन हो गया होगा अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होगा सही रहे होंगे तो। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटिंग लिस्ट जनरल कैटेगरी के अंदर 76 से 74 मार्क्स के बीच में जिनके भी है, मतलब मिनिमम 74 आपको चाहिए ही, 74 प्लस तभी आप मेरिट लिस्ट या फिर कंफर्म लिस्ट या फिर बेटिंग लिस्ट में आ पाओगे। तो यहाँ पे 76 से 74 के बीच में जितने भी बच्चे थे उनका बेटिंग लिस्ट में रखा गया था नाम जनरल कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 19 बच्चे ऐसे थे जिनका कंफर्म लिस्ट में था जनरल कैटेगरी, और 23 बच्चे ऐसे थे जिनका जो है नाम बेटिंग लिस्ट में रखा गया था जनरल कैटेगरी के अंदर, और ये जो बच्चे थे 76 से 74 मार्क्स वाले थे, राइट, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है एससी कैटेगरी, तो जो भी बच्चे 76 से 69 के बीच में थे उनका जो है कंफर्म लिस्ट में रखा गया था नाम, और जो भी बच्चे 68 टू 60 मार्क्स थे उनका बेटिंग लिस्ट में रखा गया था, तो आप लोग देख लेना थोड़ा सा, और जब हम 2018 वाला भी डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। और 7 बच्चे एससी कैटेगरी के अंदर कंफर्म लिस्ट में थे और 14 बच्चे बेटिंग लिस्ट में थे एससी कैटेगरी के अंदर 2019 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी, तो 76 मार्क्स से 60 मार्क्स तक जितने भी बच्चे का मार्क्स था वो सारे कंफर्म लिस्ट में थे, और ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, और यहाँ पे बेटिंग लिस्ट में एक भी बच्चा नहीं था एसटी कैटेगरी के अंदर 2019 के अंदर लखनऊ आरसी के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बेटिंग लिस्ट 00। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ओबीसी का ही बच्चा मिलेगा, सो ओबीसी 76 से 74 वाले जितने भी मार्क्स थे उनको जो है कंफर्म लिस्ट में रखा गया था ओबीसी के अंदर, उनका एडमिशन हो गया होगा, और जो भी 74 से नीचे और 71 प्लस मतलब 73 से 71 के बीच में जिनका भी मार्क्स था ओबीसी कैटेगरी के अंदर लखनऊ आरसी के अंदर उनका एडमिशन हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे है देखिए यहाँ पे 15 बच्चे ऐसे हैं कंफर्म लिस्ट में है, और 21 बच्चे जिनका बेटिंग लिस्ट में रखा गया था और इनका मार्क्स जो 73 से 71 के बीच में रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है पीएच कैटेगरी, जो भी बच्चे अप टू 64 मार्क्स मतलब जिनका 64 प्लस पीएच कैटेगरी अंदर रहा होगा उनका जो है कंफर्म हो गया था, ठीक है, और जो भी बच्चे 63 टू 53 मार्क्स के बीच में रहे होंगे उनका जो है यहाँ पे बेटिंग लिस्ट में डाला गया था, और एक ही बच्चा था ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट हैविंग मार्क्स 77 एंड एबव हैव बीन काउंटेड अंडर जनरल कैटेगरी इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो ये एक्चुअली फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही था, मतलब जिन भी बच्चों का यहाँ पे देखिए एससी एसटी अलग अलग नहीं किया गया, अगर आपका मार्क्स 77 प्लस है तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि ज्यादा लफड़ा नहीं हो कि एससी वाले का हाईएस्ट इतना उसका उतना, ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्क्स के ऊपर कैटेगरी डिसाइड किया गया कितना मार्क्स है तो इतने इसको जनरल कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो 77 जितने भी थे, मान लीजिए कोई एसटी का बच्चा है उसका अगर 78 मार्क्स है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर मेरिट लिस्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि एससी के अंदर जो है एसटी के अंदर इतना मार्क्स तो काफी है ना, तो इसलिए उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा गया, उनको रिजर्वेशन के थ्रू ही दिया गया एडमिशन, राइट। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज इस तरीके से दिया गया है कि अगर आप एससी में हो और 69 के ऊपर है आपका तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है, और 69 के ऊपर कितना भी है जैसे 78 है तो आपको जनरल में रख दिया गया कि आप जनरल में मजे करो, राइट। तो ये था हमारा 2019 का मेरिट लिस्ट एनालिसिस, कितने मार्क्स में हो गया था लखनऊ आरसी का, सारे कैटेगरी का हमने डिस्कस कर लिया, जनरल ओबीसी एससी एसटी एंड पीएच,
राइट। और बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में भी थे, तो इनका भी इनमें से भी किसी का ना किसी का हुआ होगा, ठीक है राइट। तो अभी हम देखिए डिस्कस करेंगे 2018 का कि क्या सिचुएशन था। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है 10 मिनट का हो चुका है, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अभी तक देख लिया है इतना वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि अच्छी बातें नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के आप जरूर फॉलो कीजिए राइट। तो आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।